तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बलमेर लॉरीज के स्टॉक के बारे में। बलमेर लॉरीज के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, ये हमको पहले यहाँ पर लगा था क्लियर अपडेट में देखने को मिल रहा था, हमको यहाँ पर स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, या फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, जिसके बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली। लेकिन अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमको यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.70% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हमें स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 145 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 154, और इसके बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 176, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक करता है देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में 190, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 200 और 220 तक के लेवल्स भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अभी गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 140 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 133 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक है 126 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।